और पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज के फार्मा विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संजय कुमार का अभी तक पता नहीं चल सका है। डॉक्टर संजय के लापता हुए 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लोगों ने प्रश्न पूछा था पटना के जो चिकित्सक हैं उनके गुमशुदगी के संबंध में। इस संबंध में जो हमारे पास में रिपोर्ट आई है वो डॉक्टर्स कॉलोनी कंकड़बाग के प्रोफेसर डॉक्टर सलोनी द्वारा फ़ोन कर थानाध्यक्ष पत्रकार नगर को बताया गया कि इनके पति डॉक्टर संजय कुमार शाम में करीब 7:30 बजे से घर से गाड़ी से निकले हैं, जो अभी तक वापस नहीं उठे हैं और न ही फ़ोन उठा रहे हैं। उनके द्वारा 2 मोबाइल नंबर बताए गए कि दोनों पर उनसे संपर्क नहीं हो रहा। सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत एक्शन में लिया गया। हालांकि इस संबंध में हमने एक कांड भी दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब मोबाइल का लोकेशन निकाला तो गायघाट के पास लोकेशन पाया गया। उसके बाद जो पुलिस की सर्च टीम गई तो गांधी सेतु पर लावारिस हालत में उनकी कार लगी हुई पाई गई। कार बंद थी तो घर पे खबर करके उनकी दूसरी चाबी ला करके गाड़ी को खोला गया और उनका दोनों मोबाइल फ़ोन और चश्मा, जिस पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो गाड़ी में ही पाया गया।